दसवां साल है, टेंथ ईयर है, जिसमें एलन ने अपने आईआईटी में खुद से खुद का मुकाबला करके और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अभी तक एलन के अगर हम एज ए रिजल्ट क्वालिटी की बात करें तो उसमें 2 in top 10 है, रैंक 9th and 10th, इसके बाद 5 in top 20 है और 11 in top 30 है। एलन का रिजल्ट नो डाउट टॉप रैंक तो सेंसिटिव रैंक होती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें ये सब बच्चे एक जैसी हैं। तो अभी तक जब एलन ने अपने लिए 2016 में 1, 2, 3, 9, 4 in top 10 प्रोड्यूस करी थी, तब भी एलन का रिजल्ट 11 in top 30 नहीं था। और खासियत यह थी कि इसमें 11 in top 30 में सब के सब बच्चे प्योरली क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम से हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CCP। तो 11 in top 30 एक बार मैं चाहूंगा हम सबके एनर्जी के लिए, हमारे उत्साह के लिए, जोश के उत्साह वर्धन के लिए आप हमारे लिए थोड़ा सा तालियों के द्वारा हमारा ऊर्जा एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, थोड़ी है उससे हमारा मनोबल बढ़ाए। 11 in top 30 ये बच्चों की जो उम्र है, हम कहते हैं इस उम्र में अगर आपने कोई भी अपना सपना लिख लिया है तो आराम से साकार कर सकते हो, बस बच्चे हैं ना। हो सकता है कई बार बच्चे अपने जहां भी मोहल्ले में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में, कभी अपने रिलेटिव्स के सामने कहते हैं मुझे आईटी बनना है या मुझे डॉक्टर एम से बनना है। हो सकता है कि बड़े कह दें कि बेटा आईटी बनना, बच्चों का खेल नहीं बच्चों, एम्स ज्यादा बच्चों का खेल नहीं बच्चों। तो ये जो बड़े कह देते हैं सफेद झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमने आज तक कोई आईआईटी हो, कोई न्यू दिल्ली एम्स हो, या कोई भी टॉप लेवल का एनआईटी कॉलेज हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई मेडिकल कॉलेज एमएमसी हो, उसमें हमेशा केवल और केवल बच्चों को जाते हुए देखा, कई बड़ों को जाते हुए नहीं देखा, हमेशा बच्चे ही जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं बस बच्चों को बच्चे रहने दो, उनको बड़ा मत होने दो, और अगर बच्चे बच्चे रहेंगे तो फिर उनमें जो एनर्जी है और उनमें जो खास गुण अंदर जो बाय और मिलते हैं वो अपने आप हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। और उसमें एक गुण बच्चों का बहुत बड़ा होता है जो हर घर घर की कहानी में चलता है, और वो बच्चा बड़ा जिद्दी होता है। और जब बच्चा अपने इस ट्रैक पर, अपने सपने के जिद पर आ जाए, तो फिर वो जब जिद पर आ जाए तो उसमें जो एनर्जी हनुमान जी से कम नहीं है, वो उस एनर्जी को पूरे अच्छी तरह से फोकस होकर अपने ट्रैक पर लगा दे जाए, जब उसके साथ उसको और अच्छी तरह से इंस्पायर करने वाली, केयरिंग करने वाली जो उनके मेंटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके फैकल्टी हैं, वो सब उनको और ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और बच्चा फिर अपने उस मंजिल पे पहुंच कर सिद्ध होता है, दम लेता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, हर बच्चे भी कहते हैं, पेरेंट्स से भी कहते हैं, हर बच्चा अपना कोई ना कोई स्पोर्ट लेके आया है। अगर बच्चे की चाहत में आपने उसको सपोर्ट कर दिया और पेरेंट्स ने एक बार सपोर्ट कर दिया तो गजब का मिल गया मोटिवेशन, क्योंकि सबसे नियरेस्ट पेरेंट्स होते हैं। अगर उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया उसकी चाहत के लिए तो बच्चे की अलग ही चाल होती है। इसलिए कभी भी कोई पेरेंट्स अपने बात की तुलना दूसरे से ना करें और कभी अपने बात पे शक ना करें, बस हमेशा उसको मोटिवेट करें, पुस्तक करें। अगर वो मोटिवेशन उसको मिलता ना, हर बच्चा जैसा अंदर से होता है वो नेचुरल स्ट्राइक पे चलता है, और जब नेचुरल होकर चलता है तो बिंदास होकर चलता है, और जब बिंदास होकर चलता है उसे लगातार अपना सपना साकार के पास रखता है, और जब वो फाइनल डेट जाता है तो जैसा होता है बिंदास वैसे ही करके आता है। ओके सर, एज एनिमिज्म करियर इंस्टीट्यूट, सो इफ वी टॉक अबाउट एन एम्प्लॉयमेंट, सो आजकल जॉब्स जो है वो बहुत कम हो गई है, तो कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो विदाउट जॉब रहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबने पिक्चर देखी 3 Idiots, मैसेज दे गई कामयाबी के लिए भागो, आप रैंक की आदि है, परसेंटेज की आदि से मत। जब आप कामयाबी के लिए संघर्ष करना सीख जाओगे और आदमी संघर्ष करना सीख जाए तो लाइफ में कोई भी फील्ड उतरे कभी अनसक्सेस नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। हम बस उसे कहते हैं ट्रैक है, कितने लोग अपियर हो रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको बार हमको मालूम है, लेकिन इस ट्रैक पर अगर तुमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार संघर्ष करना सीख लिया तो ये पक्की बात है तुम एक सफल इंसान जरूर बनोगे। और जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सफल इंसान बना, सक्सेसफुल होना। हर जना आप जानते हो, हम सब लोग खड़े के हर कोई डॉक्टर आइडिया नहीं है, आप में से कोई डॉक्टर आइडिया नहीं है, लेकिन हर के अपने अपने फील्ड में इंटरेस्ट के हिसाब से जो चाह रहे हो रहा है, हर का अपना कुछ ना कुछ है। एक सिंपल प्रैक्टिस बनाने वाला, एक सिंपल चार्ट का खेल लगाने वाला, उसको भी लोग पसंद करते हैं, उसके भी लोग टोकन के हिसाब से नंबर के लिए क्यू में लगे रहते हैं,
उसके लिए भी उसके परिवार वाले खुश है, उसको खुश है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या खुश, इसका मतलब सफल इंसान, और सफल इंसान सबसे बड़ी पहचान। बाकी तो डॉक्टर इंजीनियर या हमारा टाइम है जिसके अंदर 2 साल का सफर होता है, जब कर दिया एक बार मन में पक्का कि करना है तो 2 साल अंतर का सैक्रिफाइस करना है। इन बच्चों ने 2 साल जहां तक मैं सोचता हूँ लगभग अपने घर में बना रहे वो सब फंक्शन प्रोवाइड किया होगा जिसमें इनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। मैं बच्चों से कहता हूँ एक ही फंक्शन है आपकी खुद की शादी जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी है, क्या बच्चों सही ना, आपकी शादी में आपकी प्रेजेंस जरूरी है, बाकी तो आने वाले फेस्टिवल हो, घर में कोई इनॉग्रेशन हो, कोई और फंक्शन हो, किसी का मान लीजिए शादी हो या किसी के और तरह की एक्टिविटी हो, यहाँ तक कि पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो, वो सब होते रहेंगे, सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये 2 साल जिंदगी वापस कभी नहीं आएंगे। इस 2 साल में हमको पहचान बनानी है, और जब हम इस 2 साल के अंदर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूछता है व्हाट यू वांट टू बिकम, आपका विजन क्या है, और आपने एक बार ट्रैक के बाद सोच लिया है तो आप ये कैरियर ओरिएंटेड ट्रैक आपके 2 साल के चालू हो जाते हैं। इसमें अपनी ओर से अपने बच्चे के गोल को रखते हुए डिवोशन एडिशन करिए, और अगर आपकी चाहत से उसकी चाहत मिलेगी है तो आपकी चाहत हकीकत के रूप में जरूर मिलेगी। ये हमारा बच्चों से एक सिंपल मैसेज है, और पेरेंट्स हम भी पेरेंट्स है, 3 मिनट का मैसेज सबको अच्छा लगता है, कितना अच्छा, जो बच्चा चाहता है उसमें सपोर्ट करो और दूसरे से कंपेयर मत। अगली बार टॉप 10 में 3 रैंक देंगे तो सीधी सी बात है बहुत जल्दी ये धीरे धीरे 0-0 होने वाला है। जो बात मैंने शुरू में कह दी वही बोला है, हम जिस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं और जो हमारा इंटरेस्टिंग एग्जाम है वो अगर हमारे पास आ रहा है तो फेस पे फियर नहीं जीएम होना चाहिए, क्योंकि आपका डीएम नियर आ रहा है, और जब वो पास आ रहा है तो आपको बस फाइनल डे, क्योंकि आपको ब्रश करना है, तो अपने आराम से, कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है फाइनल डे आ गया लगता है अब क्या होगा, रात को नींद ही नहीं आ रही, वो गलत बात है। हम 1 साल 2 साल जो भी चल रहे हैं उसमें हर तरह सैक्रिफाइस किया, उसमें सोने के भी हमने कई आवर्स को काटा होगा, लेकिन उस दिन तक 10 से 12 मस्ती से घोड़े बज के सोना चाहिए, और आराम से सुबह मस्ती से तैयार होके टुडेज माई स्पेशल डे ऑफ लाइफ, आज मुझे अपने नाम के आगे गोल्डन रूप से पहचान मिलने वाली है, उस अंदाज में अगर आप जाएंगे ये बहुत बड़ी बात है, लगती छोटी है लेकिन हम सबको फील होती है, अगर अंदर से बिंदास होते हैं, नेचुरल होते हैं, अंदर से हम डिलाइटेड होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, और बहुत ही कूल होते हैं, बोल्ड होते हैं, तो फिर कैसा भी एग्जाम हो उसको हम आराम से पूरा बोल्ड करके आ सकते हैं। तो बंदा बिंदास है, बंदी बिंदास है, तो उस दिन जो उसकी मंजिल उसके पास है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब रिहर्सल है, फाइनल डे के लिए तैयार हो रही है, लेके चलो कभी भी कोई रिजल्ट आ रहा है बच्चे को ना, उनके पेरेंट्स को यही सोचना अब तेरा क्या होगा, अरे वो अभी हो गया जो गया, क्योंकि फाइनल तो भी दूर है, बस जो कुछ बाकी रह गया उसको सुधार करो और अगले के लिए इंतजार करो, और हर अगले को पहले से बेहतर करते जाओ, अगर खुद से खुद का मुकाबला करोगे और ये करते जाओगे तो बच्चा जो चाहता है उस मंजिल के लिए कम से कम उड़ान तो भर सकता है। मेरी जे एडवांस 2018 में रैंक आई है 12। टीचर्स का मेनली कभी साथ नहीं छोड़ते, मतलब कैसा भी मोड आ जाए जिंदगी पे, कितना निराशा आ जाए, टीचर्स हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि हर वक्त अच्छा करना है। ये सबसे बड़ी बात तो मैं एक सीखी कि कभी हार नहीं माननी जिंदगी में, कितना उतार चढ़ाव आ जाए, और दूसरा सफलता ही मेहनत ही सफलता की कुंजी है जैसा आप सबको पता है, और
तो पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा आपको जब आप एलएन में एडमिशन लेने गए, तो उन्होंने क्या बातें कही तो जो आप 2 साल बाद उनको याद करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? पेरेंट्स ने तो ये बोला था बेटा अब तुम, हमारे हाथ में बस मेहनत है और सफलता तुम मेहनत करोगे उसके हिसाब से मिलती जाती है, और ये 2 साल में मेहनत ही तुम्हें अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। और मतलब आज आपको लगता है आप सफलता पा गए हैं 2 साल की जो आपने मेहनत की थी? हाँ लगता है। आपकी एक्सपेक्टेशन इससे हायर थी या नहीं? मैं जो एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास मिल गया। मी तीन वर्षापासूनच आलिन मध्ये शिकतोय, मुंबईचाच राहणार आहे। तुम्हाला कधी माहित म्हणजे तुम्ही आलिन मध्ये जायचं असं कधी ठरवलं? मी 10th मध्ये होतो तेव्हाच 2014 वर्षाचा रिझल्ट पण आलिनचा खूप चांगला होता, 1 rank 3 rank सगळं, तर तेव्हाच माझे 10 मित्र पण आयआयटी मध्ये होते, त्यांनी पण रिकमेंड केलं की आलिन खूप चांगली इन्स्टिट्यूट आहे, सो मी बोललो येऊन मुंबई मध्ये, पण तेव्हाच ओपन झालेली सिनियर डिव्हिजन, सो मी आलिन मध्ये ऍडमिशन घेतली। तेव्हा असं टीचर्सचा मेन सपोर्ट होता, म्हणजे खूप जास्त सपोर्ट होता टीचर्सचा, म्हणजे इथले टीचर्स आणि बाकीचे टीचर्स, म्हणजे मी एक नोटीस केलाय की शिकवतात तर खूप लोक, पण केअर करणं हे जे सगळ्यांनीच सांगितलंय पण ते ऍक्च्युअली एकदम खूप इम्पॉर्टंट असतं, की तुम्ही आपुलकीने शिकवता, म्हणजे फक्त शिकवायचं नाही, मुलांच्या वेलफेअर बद्दल पण तुम्हाला माहिती पाहिजे। जसं इथे नेचल सर होते, त्यांनी एंड पर्यंत माझा खूप सपोर्ट केला, पलविंदर सर, ज्ञानेश्वर सर, हे जे होते त्यांनी मला खूप सपोर्ट दिलेला आहे आणि एंड पर्यंत ते माझ्यासोबत होते, डाऊट्स कधी आले कधी येऊन क्लिअर करायचे, म्हणजे असं काही नाही की फॉर्मल आहे, की टीचर आणि स्टुडंट रिलेशनशिप खूप इथे कॅज्युअल होती, म्हणजे यू कॅन बी फ्री विथ युअर टीचर, सो दॅट्स द बिगेस्ट थिंग आय नोटिस अबाउट आलियन अँड आय एम थँकफुल फॉर दॅट। आई एम अव्यक्ता व्रत, माय आईआईटी जी रैंक वाज 394। दो साल का सफर तो खैर बहुत ही बढ़िया था आलियन के साथ, बहुत इंजॉय किया स्टडीज को एक तरह से, उन्होंने कोई प्रेशर फील नहीं करने दिया। और पेरेंट्स से किस तरह का सपोर्ट रहा आपको जब एलन में आया था, आपको क्या ड्रीम ने किया था, आपको लगता है वो सक्सेस हो गए चीज के लिए? पेरेंट्स का तो खैर काफी सपोर्ट रहा उसमें, उन्होंने हमेशा साथ रहते थे, कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं 2 साल में, कभी नीचे भी गए मार्क्स तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल मेक इट अप लेटर, हमेशा बिल्कुल हैप्पी हूँ। मेरा नाम शानुल हक है, मेरी जेई एडवांस रैंक 111 है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रांची से हूँ, और जब मैं 12th क्लास में आया तब मेरे एक फ्रेंड के दोस्त हैं जो कि एलन में टीचर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि एलन कोहिनूर नाम का एक नया एकेडमिक प्रोग्राम खुला है एलन की तरफ से मुंबई में, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो जब वो लोग रांची आए और उन्होंने कैंप में मुझे सिलेक्ट किया, और फिर मैं 12th क्लास में एलन बॉम्बे आ गया। एलन में क्या क्वालिटी है जो बाकी अदर क्लासेस में नहीं है, क्या कुछ सीखने को मिला आपको एलन के टीचर्स? हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है एलन के टीचर्स ने। शुरुआत में जब मैं यहाँ आया था तो स्पेशली मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो मेरे जो टीचर हैं अमित सर, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। केमिस्ट्री में भी मैं काफ़ी जगह पे लैग कर रहा था, तो पाठक सर ने मेरी हेल्प की। फिजिक्स में भी तिवारी सर ने मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए और हर जगह मेरी मदद की है। हाँ अमित सर दिल को छू गए। आपको बताया जी? जी मेरे सबसे पहले मेरे पापा को ही मैंने बताया कि मेरा क्या रैंक आया है, और वो मुझ पर काफ़ी गर्व कर रहे हैं और काफ़ी खुश थे। મારું નામ પાર્થ ઢોડિયા છે, મારું નામ પાર્થ ઢોડિયા છે, હું મુંબઈમાં રહું છું અને મારો જે એડવાન્સ પર રેન્ક આવેલું 203। મેં ભાઈ કે બેચ કે મારા ભાઈના બેચ કે સિનિયર્સ હું ઓળખું છું જે લોકોએ રેકમેન્ડ કર્યું હતું આલિન। બહુ અચ્છા मेरा आलिन में सफर बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग थी और टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है।
एलएन में क्या आपके फेवरेट सर या टीचर थे जिसमें आप याद करेंगे हमेशा एलएन? रोहित दीवान सर थे जो आयरन कोहिनूर में तो कुछ टाइम के लिए पढ़ने आए थे, उनके साथ मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई की और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, आपसे जानना चाहेंगे एलएन में कैसा रहा आपका टीचिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस, पढ़ाई का कैसा रहा, टीचर का किस तरह का सपोर्ट मिला? टीचर्स सपोर्टिव थे, केयरिंग थे, दे वुड मेक अस फील कंफर्टेबल और प्रेशर फील नहीं होने देते थे। क्या यादें शेयर लेके जाएंगे यहाँ से? जैसे क्लासरूम की यादें, पढ़ते थे मज़ा आता था, एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता था क्लासरूम का जो आज तक स्कूल में कभी महसूस नहीं हुआ था। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।